हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे फूलों के शहर कन्नौज में। और सुबह की हमारी पूजा हो चुकी है। अब मैं तुलसी मैया की पूजा कर रही हूँ। इसमें थोड़े थोड़े से पत्ते आने लगे हैं और बाहर भंडारे दावत की तैयारियाँ हो रही हैं। बच्चे बच्चे सब खेल रहे हैं, काम चल रहा है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस हम भी अपने काम में लगे हुए हैं। और बाहर आप लोग देख रहे होंगे ना, यहाँ से मैं थोड़ा, और उसके बाद में पूजा करने के बाद में फटाफट से नाश्ते का टाइम भी हो गया है। तो मैं हमने आलू उबाइल होने के लिए रख दिए है और फटाफट से नाश्ते की तैयारी कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो थोड़े लेट जा रहे हैं। इसके लिए मैं सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ आप सभी लोगों से। तो फटाफट से मैंने हल्दी वाले आलू नहीं फ्राई करूँगी आज, सिर्फ हरी मिर्च वाले आलू फ्राई करूँगी। इधर उधर अपनी चाय बनाने में लगी हुई हूँ, हम आलू फ्राई करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी काम कर लें, नाश्ते का टाइम हो चुका है। क्योंकि बच्चों को भी नाश्ता क्या, मेरा भी मतलब मेरा मन करने लगा है, तो सोचो बच्चों का क्या है। तो यहाँ पे आलू फ्राई किए हैं। दीदी अपना चाय बनाने में लगी हुई हैं, क्योंकि दीदी चाय बनाएंगी, जीजा जी की चाय बनाएंगी और फिर उसके बाद में हम लोगों की चाय। तो इधर फटाफट से आलू फ्राई करती हैं। और सैंडविच नहीं बनाऊंगी आज, ऐसे आलू फ्राई करती है, बच्चों के आलू निकाल दिए हैं, इसमें थोड़ी सी रेड मिर्च डाल दूंगी। और क्योंकि बच्चे, फिर ज़्यादा मिर्च हो जाती है, बच्चे खाते नहीं हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं एकदम। और फटाफट से ब्रेड सेक के दे दे रही हूँ सबको, क्योंकि सैंडविच मना कर दी थी कि सैंडविच नहीं बनाओ, ऐसे आलू फ्राई करके ब्रेड सबको सेक के दे देंगे। और हरा धनिया था नहीं, तो जीजा जी ने आलू फ्राई खाए नहीं, तो उनके फिर मैंने थोड़ा सा पिसे हुए धनिया डाल दिए, तो दोबारा फ्राई कर दिए। तो नाश्ता लग चुका है, आप लोग भी आ जाइएगा। और नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं भैया खाने की भी तैयारी कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दी हरी मिर्च, मेथी की सब्जी बनाने जा रही हूँ। और शाम को होगी दावत, तो फिर हल्का फुल्का सा ही खाना बनाऊँगी। और यहाँ पे दाल बनने के लिए रख दी थी मैंने, ये भी आ गए। सब लोगों का नाश्ता हो गया, बस यही बच्चे थे, तो इनकी भी चाय बना के दे दी, ब्रेड सेक के दे दी। और बस उसके बाद मैं दाल में तड़का लगा दिया, ये मिर्च रखी हुई है, सोच रही हूँ जी। आप तो मेरी सारी चीजें फेंकती रहती हैं, ये धोले नहीं ड्रेस तो नीचे फेंकोगी, इकट्ठे कर रहे हैं ये तो साफ ही है। और बच्चों में लगी हुई हूँ, इनकी ड्रेस वगैरह है, इनकी आई कार्ड वगैरह है, बेल्ट है, सारी एक जगह पन्नी में करके रख दे रही हूँ। और बच्चे अपने खाना खाने में भी लगे हुए हैं, और इनके ये तपती वगैरह जो भी है सारी सेफ में रख दे रही हूँ। पेपर वगैरह हो चुके हैं, इनकी फिर ज़रूरत पड़ेगी, तो कुछ से चीज़ें हैं इनकी। और अभी 14 तारीख तक की छुट्टी है इनकी, तो इनके सारा सामान इधर उधर हो जाएगा। तो ये मैंने पोटली बना के रख दी है, इनका ब्लेजर है, अपनी का स्वेटर, देव का टोपे वगैरह जो भी हैं, सारा सामान इसमें बांध के रख दिए, धुल के सेफ में लगा दूंगी, नहीं तो इधर उधर सामान हो जाएगा, फिर ढूंढना पड़ेगा। और शाम को यहाँ पे दावत चल रही है, भंडारा, आप लोग भी आ जाइएगा, प्रसाद। और काफ़ी दावत हुई थी, दावत क्या मतलब, 3 बजे से कन्या भोज हुआ था, उसके बाद में दावत ही चल रही है 3 बजे से। और ये भी आ गए हैं, आज इन्होंने सुबह खाना खाया ही नहीं था, नाश्ता किया था बस। और उसके बाद मैं फिर कह रहे, मैं तो दावत खा के भी आ गया, हम तो बाहर खाने नहीं गए थे, हमने थाली में ही घर पे मंगवा ली थी, क्योंकि मैंने सूट पहन रखा था, फिर मुझे साड़ी पहनने लगी थी। हैप्पी न्यू ईयर। और अभी सुबह का हमारी पूजा वूजा चल रही है, और नए साल पे कुछ खास नहीं किया है। और बच्चे अपना कुछ कहने में लगे हुए हैं, तो मैं भी दीदी से बात करने लगी थी। वैसे मैं तुलसी की पूजा करने के लिए जा रही हूँ, और आज तो हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन तो इतनी मतलब सर्दी है, कुछ कहने की नहीं, सब एक दूसरे की शिकायत करने में लगे रहते हैं, यही बातचीत, तो और कुछ भी नहीं। तो पता नहीं वो उनकी शिकायत करने में लगे हुए हैं, दीदी ने चूल्हा जला दिया था तापने के लिए, तो तुलसी मैया की पूजा कर दी है हमने। और दीदी कुछ अपने कान्हा जी के साथ टोपी बना रही हूँ, और सूर्य भगवान तो नहीं निकले हैं, पर उनको जल उनके नाम से दे दे रही हूँ।
और बच्चे खेलने में लगे हुए हैं, दीदी अपना काम करने में। दीदी काम क्या कर रही हैं? दीदी आपके पास बैठी हुई हैं और कान्हा जी की छोटी सी टोपी बना रही हैं। तो बस आज मैंने रेड वाली ये साड़ी पहन रखी है। और दीदी अपनी पूजा वगैरह सुबह कर चुकी हैं और चाय पी रही हैं। दोनों लोग आपस में बात भी करती आ रही हैं, बच्चे खेलने में लगे हुए हैं। तब तक हम किचन में आ गए थे और किचन में नाश्ते की तैयारी मुझे करनी है। तो बस अम्मी देव हैं अपना उसमें लगे हुए हैं, हम लोग अपने उसमें लगे हुए हैं। और न्यू ईयर पे सोचा तो था लेकिन फिर थोड़ी भड़बड़ हो गई थी। और यहाँ पे जीजा जी पैर वैर छूने सब लोग आते हैं, तो वही सब लोग आ रहे थे जा रहे थे। और बस यही सब बातें चल रही हैं। और पता, मैंने बाल भी नहीं सुखाए, फटाफट से नाश्ते में लग गई आके। तो यहाँ पे मैंने पोहा बना दिया है, मूंगफली के दाना फ्राई किए, चाय बना दिए। सोचे थे ये छिलकों को छिलके हटा दूँ पर वो हटे नहीं, तो मुझसे मैंने फिर मैंने जल्दीबाजी में ऐसे ही डाल दिए थे दाने। और ब्रेड भी सेक दे रही हूँ क्योंकि जीजा जी का नाश्ता हो जाए फिर बस। फिर तो मैं तो नाश्ता लग चुका है, इसी के साथ मैं वीडियो का एंड भी कर रही हूँ। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आपको डेली डेली मिलती रहे। यहाँ पे छोले की भी तैयारी कर ले रही हूँ और आलू मैंने एक पंथ तो काज कर ले रही हूँ। और क्योंकि यहाँ पे आलू मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है इस तरीके से, तो दोनों चीज़ें एक साथ में बॉयल हुए होने जा रही हैं। और फिर मैं अभी जा रही हूँ मंदिर, मंदिर से वापस आके आप लोगों से मिलूँगी। और वीडियो मेरा थोड़ा लेट भी जा रहा है, हो जाता है फैमिली में ऐसा। और भागवत मतलब सुननी थी रिश्तेदार।